सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंटेशन। मेरा नाम अद्वैत है और अब हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपने बूट्स एल्गोरिथम के साथ। सो ये उसका पार्ट टू वीडियो जहां पे हम दो टाइप के इंटीजर्स से डील करने वाले, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और वाइस वर्सा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट क्या होगा, अगर एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। सो अब इसको कैसे डील करना है वो हम लोग देखेंगे। और सबसे मेन बात यह है कि जो फ्लोचार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है वो फ्लोचार्ट इसके लिए भी बिल्कुल सेम है सरप्राइजिंगली। सो सिर्फ इसमें कुछ चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि एकदम लास्ट में आएगा चेंजेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं अपना फ्लोचार्ट। तो फ्लोचार्ट में क्या क्या था, एसी था अपना और एक क्यू माइनस वन जिनको हम इनिशियलाइज करते हैं जीरो से। एसी में नंबर ऑफ बिट्स कौन डिसाइड करता है, काउंट, या इस ये डिसाइड करता है काउंट, वाइस वर्सा कैसे भी बोल सकते हो। एम और क्यू क्या रहता है, एक अपना मल्टीप्लिकेंट एक अपना मल्टीप्लायर। मल्टीप्लिकेंट मतलब जो पहला नंबर है और मल्टीप्लायर मतलब जिससे हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर। फिर तीन कंडीशन है जो क्यू जीरो और क्यू माइनस वन को हम देख के सेट करते हैं। अगर वन जीरो है तो ये परफॉर्म करते हैं, जीरो वन है तो ये परफॉर्म करते हैं, और इन तीनों का आउटपुट एएसआर करना जरूरी है। सो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि अरिथमेटिक शिफ्ट राइट क्या होता है। सो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज एक बार जाके वो वीडियो देख लो, फिर ही आपको ये समझेगा। फिर काउंट जब जीरो हो जाता है वो हम चेक करते हैं, उसके बाद सिर्फ खत्म कर देते हैं। तो ये बूट्स फ्लो चार्ट धीरे धीरे करके आपको तीसरे पार्ट तक याद हो ही जाएगा, ठीक है। सो इतना समझ गया। सो अब लेते हैं इसका एग्जाम्पल। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया कि आपने को मल्टीप्लाई करना है सेवन और माइनस थ्री यूजिंग बूट्स एल्गोरिथम। सो अब यहाँ पे एम क्या है अपना, या चलो ऐसे ले लेते हैं माइनस सेवन और प्लस थ्री ले लेते हैं, पहले ऐसे कर लेते हैं ताकि अपने को इजीली ये एम और माइनस एम वाला जो झोल है वो समझ में आ जाए। तो माइनस सेवन है, सो अगर मेरा एम माइनस सेवन टू द बेस टेन है सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा सो वहां पे हमने क्या किया था, कभी भी माइनस नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। सो यहां पे हम क्या करेंगे कि जो अपना सेवन है तो सेवन को हम फाइव, और हाँ इधर रजिस्टर बिट्स कितने दिए, फाइव दिए, तो हमको इसको फाइव में रिप्रेजेंट करना है। सो एक साइड में अपन छोटा सा रफ वर्क कर लेते हैं कि रफ वर्क में क्या होगा कि हम फाइव बिट में सेवन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। सो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, इतना समझा, और उसमें वन ऐड कर देते हैं। सो क्या आ जाएगा, वन जीरो जीरो वन वन, ठीक है। सो अब एम मेरा ये हो जाएगा, आप समझे मेरी बात, क्योंकि ये मेरा अब मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लिकेंड है। मल्टीप्लायर क्या है, प्लस थ्री है, मतलब थ्री टू द बेस टेन, तो इसको आप पांच बिट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे ऐसे। अब माइनस एम क्या होगा, सेवन टू द बेस टेन हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। सो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे ऐसे, जैसा नॉर्मली करते हैं। सो आप वापस आप टूज कॉम्प्लीमेंट मत निकाल देना इसका, और अगर निकालोगे भी तो यही आंसर आएगा, ठीक है। सो ये मिल गया अपने को। सो अब एम अपना ये है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ये हो गया माइनस एम, और क्यू ये हो गया। आपको समझ गया कहां थोड़ा सा झोल आया माइनस लिया जब, तो बस इतना सा आपको करना है। अब इसके बाद वही अपना टेबुलर फॉर्म वापस से। सो अब एसी को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, नंबर ऑफ बिट्स विद जीरोस, सो पांच बिट का लिया था साइज तो पांच जीरो से इनिशियलाइज करते हैं, और क्यू माइनस वन को भी जीरो से। फिर क्यू में कौन सा वैल्यू स्टोर हुआ था, थ्री को हमने रिप्रेजेंट किया था फाइव बिट्स में, सो लिख दो, हो गया। सो फर्स्ट साइकिल में चल रहे अपन, तो यहाँ पे लिख दो भाई फर्स्ट साइकिल, ताकि हमको याद रहे। टोटल साइकिल कितने होने वाले यहाँ पे, पांच, क्योंकि रजिस्टर का साइज कितना है, पांच बिट का, ठीक है। सो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, इसको थोड़ा अपन सर्कल करके करते तो अपने को इजी पड़ेगा। वन जीरो है, सो क्यू जीरो, ये बिट हमेशा अपना क्यू जीरो होता है, जब पहले भी पता था, क्यू जीरो और क्यू माइनस वन क्या है, वन जीरो। सो वन जीरो अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट क्या करना चाहिए अपने को, सो वन जीरो में हम क्या करते हैं, एसी इक्वल्स टू एसी माइनस एम और फिर ए एस आर। सो ऑपरेशन लिख दो, एसी इक्वल्स टू एसी माइनस एम, एसी का वैल्यू क्या फिलहाल फाइव टाइम जीरो, और माइनस एम का वैल्यू क्या मिला था अपने को, डबल जीरो ट्रिपल वन, मतलब सादा वाला अपना सेवन, ठीक है। तो इसको कर दो एड, तो वन 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 जीरो जीरो, ये वैल्यू यहां लिख दो, तो क्या आ जाएगा, डबल जीरो ट्रिपल वन, ये एज इट इज रहेगा और ये भी एज इट इज रहेगा। अब इसमें फर्स्ट ये हो गया, सेकंड क्या करना रहता है, ए सर आपको पता है मैं वन टू क्यों लिखता हूं, क्योंकि मेरे को इससे याद रहता है कि एक और करना है भाई, नहीं तो ये ए सर वाला बहुत झोल होता है, आप भूल जाओगे तो आपका पूरा जो मेहनत है वो पानी में चला जाएगा। तो अब ए सर करना है, तो ये बिट यहां शिफ्ट, ये बिट यहां, ये वाली यहां, ये वाली यहां, ये वाली यहां, फिर ये वाली इधर आ जाएगी,
फिर ये डबल वन यहाँ पे, ये डबल जीरो पहले, और ये जैसे कि आप जानते हो कि पहला अब आपके लिए सरप्राइज नहीं रहेगा क्योंकि ये एज इट इज रिपीट होता है। सो इसके साथ अपना फर्स्ट साइकिल हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं सेकेंड साइकिल, तो सेकेंड साइकिल को थोड़ा अलग लिखते हैं, ठीक है। सब सेकेंड साइकिल के लिए अपने को क्या कंपेयर करना पड़ेगा, पहले दोनों बिट्स क्यू जीरो क्यू माइनस वन जो कि क्या है डबल वन। सो डबल वन क्या आता है बूट्स के फ्लो चार्ट में, सिर्फ ए एस आर परफॉर्म करना है। चलो काम आसान हो गया इधर ही। सो अभी जब दोनों डबल वन है तो मुझको सिर्फ क्या करना है ए एस आर। सो ए एस आर करो, सो ये वाला वन चला जाएगा, ये वाला वन इधर, ये जीरो यहाँ पे, ये जीरो उसका वाला नेक्स्ट, फिर ये वाला वन उछल के इधर, ये वाला वन इधर, फिर ये ट्रिपल जीरो, और ये फाइनली वापस से उसको रिपीट किया जाएगा जो कि आंसर ये आएगा। सो इसी तरह अपना सेकेंड साइकिल भी कंप्लीट हो जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है जीरो कॉमा बोल रहा हूँ, जीरो और वन। सो ये अपना थर्ड साइकिल हो जाएगा बराबर। सो थर्ड साइकिल क्या होगा, तो जीरो कॉमा वन में क्या करते हैं अपन, ए सी इक्वल टू ए सी प्लस एम और फिर ए एस आर। सो करते चलो, तो पहले ए सी इक्वल टू ए सी प्लस एम, तो क्या आएगा ए सी का वैल्यू क्या है फिलहाल 3 × 4 × 0 = 1, और एम का वैल्यू क्या था अपना, तो अपन ने -7 का वैल्यू निकाला था, डबल वन डबल जीरो वन। सो डबल वन डबल जीरो वन, ठीक है। सो इसका वैल्यू 1 + 1 विल बी सम 0 कैरी 1, 1 इधर आ जाएगा 0 1 1, ये आ गया। इसको लिख दो स्ट्रेट, डबल वन जीरो वन जीरो, दिस विल बी एज इट इज, दिस विल बी एज इट इज। सो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड ऑपरेशन क्या करना रहता है हर बार, ए एस आर। सो ए एस आर कर दो, ये जीरो इधर, ये फिर दो जीरो इसके इधर, यहां गया यहां यहां, फिर ये डबल वन यहां पे और इसका एक जीरो यहां पे, ठीक है। फिर ये ऐसे, ये डबल वन और ये वापस रिपीट होगा, सो ये वन वापस आपको आ गया। तो इसी के साथ आपका थर्ड साइकिल भी कंप्लीट हो गया। अब काउंट का है 5 तक है, तो भाई अभी तक 3 ही हुए, 2 बाकी है, सो वो कर लेते हैं। सो अब देखते हैं फोर्थ साइकिल, तो फोर्थ साइकिल के लिए अपने को थर्ड साइकिल का आउटपुट देखना पड़ेगा जिसमें दोनों आए थे 0। सो अब इतना तो अपने को याद हो गया कि जब दोनों बिट सेम रहता है तब क्या करना रहता है, सिर्फ एक ऑपरेशन जो कि अपना ए एस आर। सो ए एस आर करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, ये 0 यहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये इसको एज इट इज लिख दो फटाक से, और ये 1 इधर आ जाएगा, समझा। फिर ये 1111 एज इट इज कॉपी होगा, और ये एक 1 और एक बार रिपीट हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इधर समझा। फिर यहां तक हम पहुंच गए, सो अपना फोर्थ साइकिल यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। क्यों, क्योंकि सेम बिट्स थे और एक ही ऑपरेशन करना था। अब आ जाते हैं अपने फाइनल साइकिल पे। सो फाइनल साइकिल में क्या करना है आपको, फिफ्थ साइकिल में यहीं पे अपने को आंसर मिल जाएगा। सो अब देखना है ये वाले बिट्स, सो 0 0 अगेन, सो फिर ये छोटा सा मिल गया मेरे को, ASR ही करना है भाई, ज्यादा कुछ काम नहीं करना। तो ये 0 यहाँ पे और ये 1101 ऐसे लिख के 0 यहाँ पे, फिर 4 × 1 = 5 आएगा क्योंकि ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ गया आपको। सो अब इसी तरह ये भी साइकिल कंप्लीट हो गया, और मेरा टोटल जो बूथ्स का था इस पर्टिकुलर एग्जांपल का वो भी खत्म हो गया। सो अभी मेरे को, जैसे कि आपको पता है आउटपुट सिर्फ इतने में आता है, इसको हम निकाल देते हैं। सो अब आउटपुट क्या आया है, अब यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, ठीक है। सो आउटपुट आया है 5 × 1 0 1 0 1 1 to the base 2। सो अभी यहां पे क्या झोल हुआ है कि इतना बड़ा आंसर आया, सो अगर आप इसको कैलकुलेटर में डालोगे ना तो आपको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा 1003 to the base 10। तो वो तो रॉन्ग है, तो आप बोलोगे यार कुछ गलत तो नहीं होगा, पर नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि एक नंबर अपना नेगेटिव था और एक नंबर पॉजिटिव था, तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव होने वाला था, ये हमको पता था, मैंने पहले ही आपको बता दिया था इसका बेसिक। सो जब भी हम नेगेटिव नंबर से डील करते तो क्या निकलता है, नेगेटिव नंबर हमेशा 2's कॉम्प्लीमेंट होता है पॉजिटिव नंबर का। सो अगर हम अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हमको ओरिजिनल नंबर मिलेगा, हाँ मिलेगा। सो इसका निकालते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट, तो 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले इसको हमका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। सो ये 5 × 1 का 5 × 0 हो जाएगा, ये 1 ये 0 ये 1 ये 0 0 इसमें डालना पड़ेगा एक 1। सो 1 डाल दो 0 1 0 1, तो 3 4 5 हो गया भाई, इतना सही करना था। अब इसको डाल दो कैलकुलेटर में अब। सो पहले इसको चेंज करो बाइनरी पे, बाइनरी में डालो ये वैल्यू
फाइव टाइम्स जीरो वन जीरो वन जीरो वन और उसको चेंज कर दो डेसिमल में. सो कितना है आपको 21 आया पर टूज कॉम्प्लीमेंट किया तो ऑब्वियसली माइनस 21 आंसर है. सो माइनस 21 टू द बेस 2 बेस 10 सॉरी इज द फाइनल आंसर. सो आपको समझा कि अगर कोई नेगेटिव नंबर रहेगा तो हमको सिर्फ क्या करना है फाइनल आंसर का क्या निकालना है टूज कॉम्प्लीमेंट बस इतना सा ही अलग है. ठीक है. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और अच्छा लगा तो सबसे पहले वही काम करो व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ताकि वो पढ़ सके इसको इजीली. और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो कमेंट करो. सीओए के आपको पूरे नोट्स चाहिए हैंड रिटन क्योंकि एग्जाम में नोट्स तो चाहिए और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी चाहिए भाई सॉल्व किए हुए. सो अगर आपको वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो. आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करो www.lastmomentations.com वहां पे आप इसके और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है वो देख सकते हो और भी बहुत सारी कोर्सेज हैं जो आप ले सकते हो एनरोल कर सकते हो. सो एक बार प्लीज चेकआउट करो और फ्रेंड्स को भी बोलो चेकआउट करें. सो गाइस थैंक यू सो मच वंस अगेन ये वीडियो देखने के लिए. हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स.